हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, क्यूब बोलते हैं इसे, इसकी हमें सारी साइडें इक्वल होती हैं क्यूब की, ठीक है। सरफेस जो एरिया होता है वो होता है ये वाला हिस्सा, देखो रेड ब्लू वाइट रेड, ठीक है। जितना भी इसके जितने भी डायमेंशन नज़र आ, जितने फेस नज़र आ रहे हैं, 6 फेस हैं, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। वो हमें यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल हमें इसकी साइड मालूम नहीं है, तो मैंने इसकी साइड को मान लिया कि वो ए है, और हमें बताने इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे कि क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कोई चीज़ मैं कितनी भर सकता हूँ, या फिर इसका वेट कितना होगा, इसका मास कितना होगा, उसे कहेंगे वॉल्यूम। वो हमें फाइंड करना है। उससे पहले हमें इसकी साइड निकालनी होगी, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² ए, जो कि इसकी साइड होगी, मल्टीप्लाई में 6 है तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 का डिवाइड दिया, 6 9 36, तो मेरा निकल के आ जाएगा 19, 6 1 6 16 आएगा 16 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब का मतलब होता है कि इसी साइड को इससे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बट ये मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू, अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, ये आएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। अगर ए स्क्वायर होगा तो 16 और ए की वैल्यू लेनी हो तो 4। अब ए क्यूब का मतलब है ए को ए से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 × 4 4 4 16 एंड 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ऑप्शन हो जाएगा मेरे यहाँ पे सी, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम। जो भी इसकी साइड होगी, मैंने मान ली लेट साइड ऑफ क्यूब ए, क्वेश्चन में बोला गया अगर साइड को डबल कर दिया जाए, मैंने कर दिया 2a, तो दोनों के वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका a का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम निकालें तो a का क्यूब यानी कि इसकी साइड का क्यूब होता है, साइड मेरी 2a है, 2a का क्यूब, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2a × 2a × 2a, 2 2 4 4 2 8, पावर 1 2 3, ये आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट का आया a की, यानी 1a³, इसका आया 8a³, यानी कि इससे कितना ज़्यादा आ रहा है, 8 times ज़्यादा निकल के आ रहा है, क्योंकि ये 1 और ये कितना 8 है, तो कितना ज़्यादा हुआ, 8 times, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।